हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग एक और कन्वर्टर की बात करेंगे जिसका नाम है बक बूस्ट कन्वर्टर। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी वर्किंग है। ये जो कन्वर्टर है वो ऐसे पर्पस के लिए यूज किया जाता है जहां पर हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ठीक है, ये लिखा है, देखिए, इट कैन एक्ट एज बोथ द कन्वर्टर्स, आइदर बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर। तो ये दोनों कन्वर्टर की तरह काम कर सकता है कि विद द हेल्प ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इनपुट वोल्टेज लेवल एट इट्स आउटपुट साइड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इनपुट वोल्टेज को आउटपुट साइड में इंक्रीज करके भी ले सकते हैं और डिक्रीज करके भी ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम डिजाइन किया जाता है, जहाँ पर ये हमारा चोपर है, यहाँ पर ये इंडक्टर है, ये डायोड है जो रिवर्स डायरेक्शन में लगाया हुआ है, जबकि बाकी कन्वर्टर्स में आपने देखा हो कि डायोड की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी। ये लोड है, ठीक है, इंडक्टर भी जो है हमने लोड के पैरेलल कनेक्ट किया है। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये समझते हैं। दो ही कंडीशंस हैं सारे कन्वर्टर्स में, बक कन्वर्टर में भी, बूस्ट कन्वर्टर में भी और बक बूस्ट कन्वर्टर में भी, कि एक बार हमारा चॉपर ऑन होगा और एक बार हमारा चॉपर ऑफ होगा। तो जब ये हमारा ऑन होगा, ऑन का मतलब ये जो एरो है इसको आप यहाँ पर ले आइए, ये हमारा ऑन। जब ऑन होगा तो वोल्टेज जो है सारा का सारा इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई होगा, क्योंकि इसके आगे तो ये है इसके तरह, इसके लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो सारा का सारा वोल्टेज सिर्फ इंडक्टर को ही मिलेगा और जो हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स है वो इंडक्टर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा और हमारा इंडक्टर जो है चार्ज होने लगेगा। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, VL इक्वल टू VS। सेकेंड कंडीशन में तो VL इक्वल टू VS सेकेंड कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले इस पे हम कुछ डेरिवेशन करेंगे जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये जो चॉपर है वो बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दोनों की तरह काम कर सकता है। तो VL इक्वल टू VS, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, LdIdt। तो VL की जगह हमने ले लिया LdIdt इक्वल टू VS, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस डी को हमने डेल्टा आई लिख दिया और ये जो डी को है हमने टी ऑन लिख दिया, इधर लेके गए हम उसको। टी ऑन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो इसकी है, ऑन कंडीशन ही है, तो इसलिए जो टाइम होगा वो हम टी ऑन कंसीडर करेंगे। तो डेल्टा आई इक्वल टू वी एस अपॉन एल टी ऑन, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अब हम कैपिटल टी यानी जो टोटल टाइम है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी एस अपॉन एल, अब हम जानते हैं कि टी ऑन अपॉन टी हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, इसे बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आई इक्वल टू वी एस अपॉन एल टी टी ऑन अपॉन टी, इस टी ऑन अपॉन टी को हमने लिख लिया डी, और वी एस अपॉन एल और इस कैपिटल टी को लिख सकते हैं वन अपॉन एफ, ठीक है। ये इक्वेशन वन हमने मान लिया। अब सेकंड जो कंडीशन होती है, जब हमारा चॉपर ऑफ कंडीशन में होगा, ऑफ कंडीशन का मतलब ये जो स्विच है हमारा ये ओपन रहेगा यहां से। तो जब हमारा चॉपर ऑफ होगा तो जो इंडक्टर जो होगा हमारा, अब वो चार्ज नहीं हो रहा होगा, वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा और डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, डायोड और लोड के थ्रू। देख लीजिए ये है, ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इस डायोड को भी रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट किया है। तो ये जो हमारा इंडक्टर है ये
डिस्चार्ज होगा लोड और डायोड के थ्रू। तो इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो माइनस VL होगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है। फिर उसी तरह से हम आउटपुट वोल्टेज को एल डी अपॉन डी लिख सकते हैं माइनस वी नॉट, बिल्कुल सेम हम डेल्टा आई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी माइनस वी नॉट अपॉन एल टी ऑफ। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में देखिए हमने दोनों तरफ डेल्टा आई की वैल्यू निकाल दी है, दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख देंगे तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी डी वी एस अपॉन एल एफ इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एल टी ऑफ। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर देखिए एल इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगी डी वी एस इक्वल टू माइनस वी नॉट टी ऑफ इंटू एफ। ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आइए डी वी एस इक्वल टू माइनस वी नॉट टी ऑफ क्या होता है हमारा, यहां पर हमने टी ऑफ क्यों लिया है क्योंकि इस बार हम चैनल के ऑफ कंडीशन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे टी ऑफ लिखा है। पहली शर्त में हमने टी ऑन लिखा था तो टी ऑफ को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो टी अपॉन टी हो जाएगा वन और टी ऑन अपॉन टी हो जाएगा ये अलग आ जाएगा। अब टी ऑन अपॉन टी को हम फिर से कैपिटल डी लिख सकते हैं जो हमारा ड्यूटी साइकिल होता है तो हमारा फाइनल ये आ जाएगा वी नॉट अप इक्वल टू माइनस डी वी एस अपॉन वन माइनस डी। ठीक है, इस वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको आप लिख लीजिए वन माइनस डी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी नॉट इक्वल टू डी वी एस अपॉन वन माइनस डी। अब इस इक्वेशन से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारा कन्वर्टर जो है किस टाइप का कन्वर्टर है। और जैसा कि हमने बताया था कि जो डी की वैल्यू होती है वो जीरो से वन के बीच में ही लाई करती है ड्यूटी साइकिल है ये। अगर इस इक्वेशन में डी की वैल्यू आप जीरो रखिए तो देखिए यहाँ पर जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगा। अगर 0.5 रखेंगे तो यहाँ पर 0.5 यहाँ पर 1 माइनस 0.5 यहाँ पर बचेगा 0.5 ऊपर नीचे 0.5 0.5 कैंसिल हो जाएगा तो वी नॉट इक्वल टू वी एस ये आएगा। अगर डी की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इनफाइनाइट और जीरो हो जाएगा। और किसी भी पी अपॉन क्यू का नंबर है अगर उसके नीचे जीरो है तो उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं वो होती है इनफाइनाइट। तो इन तीन इक्वेशन से ये डिसाइड हो रहा है कि जब भी हमने डी की वैल्यू 0 से 0.5 तक रखी थी तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 से Vs के बीच में आया। अब 0 से Vs के बीच में आया तो Vs क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज, तो Vs जो है इनपुट वोल्टेज और हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 से Vs के बीच में ही आ रहा है। तो ये किस तरह का कन्वर्टर हो गया इस ड्यूरेशन में, स्टेप डाउन कन्वर्टर या बक कन्वर्टर। फिर आप देखिए 0.5 से 1 के बीच में जो है हमारी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू Vs से इनफाइनाइट के बीच में आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में जो है हमारा कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम करेगा यानी स्टेप अप कन्वर्टर की तरह। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग 0 टू 0.5 आउटपुट वोल्टेज वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 टू Vs एंड वी गेट स्टेप डाउन और बक ऑपरेशन वेयर ड्यूरिंग 0.5 टू 1 आउटपुट वोल्टेज वेरीज इन द रेंज ऑफ Vs टू इनफाइनाइट एंड वी गेट स्टेप अप और बूस्ट ऑपरेशन। तो ये तो था बक बूस्ट कन्वर्टर। अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें तो बिल्कुल वैसी ही वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसी हमने बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में डिजाइन करी थी। बस क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, कुछ टाइम में हमारा जो है ये स्टेप अप की तरह काम करेगा कहीं पर स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। तो ये जो कन्वर्टर है ड्यूटी साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम इसकी ड्यूटी साइकिल देंगे वैसे इसका ऑपरेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 0 से 0.5 तक इसने जो है बक कन्वर्टर की तरह काम किया और 0.5 से 1 तक इसने बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम किया।
तो ये तो थे डीसी डीसी कन्वर्टर के टाइप्स। कुछ टाइप्स और हैं जो किसी और आधार पर लिए जाते हैं, उनका उनका डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। थैंक यू।